मेरे को तो लगता है कि ये जो क्लिप निकाला है वो गलत है, फेक है, क्योंकि गुरुजी से हम मिलते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे इंसान वो नहीं है। इतनी इस उम्र में आके अगर किसी के ऊपर ऐसा ब्लेम करना, ये तो गलत चीज़ है, ये टोटल ही फेक लग रहा है मेरे को। मैंने भी वो क्लिप देखी है, सिर्फ वही इन्होंने क्लिप निकाली है, बाकी तो कुछ नहीं, इन्होंने आगे पीछे का तो कुछ नहीं बताया, तो वही क्यों इसको वायरल कर रहे हैं। हमें ये फेक लग रही है चीज़, हम लोकल आदमी हैं, हमें पता है कि गुरुजी कैसे हैं। अभी गुरुजी के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बारे में मेरा खुद का तो सोचना ये है कि वो हमारे इतने बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और एक बहुत ही प्यारे आदमी है वो, तो अगर कोई बच्चा उनके पास जाकर उनको रिक्वेस्ट करे और वो ना करें इतना बड़ा आदमी होने के बाद, तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं था। उन्होंने जो किया, लेकिन कुछ शायद कुछ लोगों को प्रोपगेंडा बनाने का आदत हो सकता है, तो उन्होंने प्रोपगेंडा बनाया है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग, हमारे दादा या जैसे भी बड़े बुज़ुर्ग, उन छोटा बच्चा उनके पास अगर प्यार जताने जाता है तो वो अपना एक्सप्रेशन अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, उनके सामने रहता हूँ, गाड़ी में हमारे सामने से निकलते हैं सड़क से वो, तो हमारे मन में तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने जो ये किया है बहुत बहुत बुरा किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गलत बात है। ये जो है ना, ये जो दिया है गुरु जी के बारे में, ये गलत है, ये तो झूठ झूठी खवाह उड़ाने वाली बात है कि ये चीज़ गुरु जी ने की। पर ऐसा नहीं है कि गुरु जी ये नहीं कर सकते, ये गलत है। पर ऐसा नहीं है कि गुरु जी ये नहीं कर सकते, ये गलत है। हाय नमस्कार, मेरा नाम अमर सिंह है और मैं मैक्लोडगंज यूनियन में एक गाड़ी चलाता हूँ, और जो अभी ये सब कुछ देखने को जो आ रहा है, ये जो फेक जो न्यूज़ है कि गुरुजी ने ऐसा कुछ गलत किया है, तो गाइस मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो गुरुजी हैं वो एक धार्मिक स्थल के बहुत बड़े गुरुजी हैं, और उनके बारे में जो ये न्यूज़ फैलाई जा रही है वो बिल्कुल फेक है। एक बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होता है आप सब जानते होंगे, तो वो जो एक प्यार था वो एक गुरुजी ने बिल्कुल अपने बेटे की तरह किया है, ऐसा कोई गलत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि गुरुजी ने ऐसा कुछ गलत किया है, ये सब फेक न्यूज़ है। हमारे जो और जिस भाई ने ये जो न्यूज़ ये फैलाई है, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करिए और आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसा, क्योंकि आप जो जिसके लिए आप ये जो गुरु जो ये जो न्यूज़ जो फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ऐसा जो ये न्यूज़ आपने जो फैलाई है, वो जो गुरुजी ने जो प्यार जो दिखाया है उस बच्चे के लिए, वो एक आप मान सकते हैं कि एक गुरु और एक उसके लिए है, मतलब कि वैसे है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, और हो सके तो इस जो न्यूज़ को, और मैं गाइस सबसे बोलना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ है इस फेक, सो आप इसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो हमारे जो गुरुजी हैं, अगर ये जो गलत करना चाहते तो बहुत पहले कर सकते थे, अदरवाइज़ आज तक हमारे गुरुजी ने कभी कुछ किया नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस न्यूज़ फेक न्यूज़ है, आप इसके बारे में कुछ वो मत कीजिएगा, और हमारे गुरुजी हैं वो हमेशा अच्छे हैं, हमेशा रहेंगे और थे।